हेलो भाई, नो सोस्तो, मैं आपको भाई रतन। दोस्तों, आज 20-30 होम थिएटर किट जो मार्केट में इजीली मिलता है, ये देखिए 2.1 या 4.1 कुछ भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग 12 वोल्ट से चला सकते हैं या नहीं चला सकते। सिर्फ 0 12 मतलब 12 12 वोल्ट। तो दोस्तों, ये तो क्लियर है कि इसको नहीं चला सकते हैं, मैं शुरू से बताता हूँ। और इसको क्यों नहीं चला सकते इस वीडियो में पूरा देखते रहे, मैं बताता हूँ। आप लोग पूरा देखेंगे तब समझ आएगा ये चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा तो नहीं, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए तब समझ आ जाएगा आपको। ओके, तो दोस्तों, मैं चैनल में हर टाइप की वीडियो डालता हूँ, रिपेयरिंग, अनबॉक्सिंग, तो अच्छा लगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीसीबी लेना हो तो JLCPCB.com से ले सकते हो दोस्तों, जो $2 में 10 PCB देती है। ओके करना है आप लोगों को, तो यहाँ पास ग्रैबर फाइल ऐड करना है आप लोगों को। ग्रैबर फाइल मैं बना चुका था, और ग्रैबर फाइल कैसे बनाते, कैसे बनता है, टोटल चीज़ मैं वीडियो बनाया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप लोग देख लेना। और बाय भी कैसे करते, टोटल चीज़ पता चल जाएगा। और ग्रैबर फाइल होने के बाद देख लीजिए इससे बनना है, और उसके बाद आप लोग कितने लेयर का चाहिए, फिर कितने MM का चाहिए, और कितने MM का ही है, और कौन सा कलर चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट करके हो जाए तो सब फिर सेव टू कार्ट कर लेना है। चलिए दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट से क्यों नहीं चलता है, क्योंकि ये इसको AIC रहता है, जैसे हम लोग 44 40 ये सब, उसको 12 वोल्ट से वर्क करता है। लेकिन ये जो 20 30 IC रहता है ना, जो 20 30 20 50, ये सब 24 वोल्ट में वर्क करने वाले हैं। तो 24 वोल्ट कैसे पूरा कंफर्म पता चलेगा, यहाँ से भी कब कोशिश किए होंगे कि अलग से डायोड मार के माइनस प्लस करके इसको मैं -12 ऐसा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये 0 अलग से कनेक्ट हुआ रहता है, और ये देखिए जब भी ये, अब डायोड देखिए, ये डायोड एक डायोड हो गया और यहाँ से एक डायोड, तो ये दोनों डायोड यहाँ यहाँ का डायोड देख लीजिए, यहाँ पास सब गए हैं। यहाँ यहाँ का डायोड ये 24 वोल्ट डायरेक्ट इस IC में दे रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग देखेंगे, 12 एक बार +12 भी देता है, -12 भी, दोनों वैसे ही बोल सकते हैं या 24 वोल्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट इसमें डायरेक्ट जा रहा है। तो आप लोग जैसे भी करिए, इसको 12 वोल्ट देना चाहिए तो थोड़ी वर्क करेगी, यहाँ पर 24 वोल्ट जाना चाहिए। तो देखिए 24 वोल्ट कहाँ से जा रहा है, ये देखिए, ये डो ये यहाँ ये डाई यही है, एक एक डायोड है यहाँ के जुटा हुआ है, तो ये डायरेक्ट माइनस है। तो माइनस कैसे पता करेंगे इसको, यहाँ से ट्रेस करेंगे, देखिए तो कैपेसिटर का माइनस है, तो यहाँ पास आके यहाँ से ये दोनों में माइनस हो गए थे। DC है तो ये माइनस एक ठो आ गया, माइनस आप कुछ बोल सकते हो, 12 माइनस बोलते हैं या 24 वोल्ट का माइनस बोल सकते हो, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट आ रहा है। फिर दूसरा ट्रेस करेंगे तो यहाँ कैपेसिटर से पकड़ लेंगे, कैपेसिटर ये देखिए यहाँ पास देखेंगे तो एक डायोड यहाँ से आ गया और एक डायोड ये यहाँ से आ गया है ऊपर से, तो ये दोनों डायोड हो गए। तो दोनों डायोड जुट के एक कैपेसिटर में है, तो कैपेसिटर का देखिए सर कुछ वर्क नहीं है, तो मतलब ये प्लस है, तो ये प्लस देखिए ये प्लस आ गया यहाँ से, तो यहाँ से जम्फर मार के ये देखिए पहला में चल दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं खुद कि कौन है प्लस, इसमें डायरेक्ट 24 वोल्ट आ रहा है अंदर में। सेम जैसे एक AIC में गया है ना, 24 24 डायरेक्ट 24 24 वोल्ट जाता है, इसमें भी सेम यही से कनेक्शन है। सब ट्रेस करेंगे तो भी देखिए यहाँ पास, फिर इसको यहाँ से जम्फर मार के ये देखिए सबका कनेक्शन 24 24 वोल्ट जाता है। माइनस अलग से लेता है, इसीलिए इसमें प्लस 12 होता है और -12 होता है, वही समथिंग आप +12 जो भी दोनों चीज़ बोल सकते हैं या 24 वोल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 24 वोल्ट जाता है इसलिए। और इसको आपको 24 वोल्ट देना है, कैसे देंगे आप, 12 वोल्ट से कन्वर्ट करके डायरेक्ट 24 वोल्ट बना सकते हैं। 24 वोल्ट से बीच वाला को जहाँ से 12 वोल्ट है उसको माइनस बना दीजिए, ऐसा भी बन जाएगा। मैं ऐसा कोशिश किया लेकिन सक्सेस नहीं हुआ है, जिस दिन मैं सक्सेस हो जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये 12 वोल्ट इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये 24 वोल्ट चलता है, इसलिए जैसे 12 वोल्ट आप 44 40 में 5 वोल्ट से देंगे तो थोड़ी वर्क करेगा, सेम टू सेम यही है, क्योंकि ये 24 वोल्ट से चलता है इसलिए इसको 12 वोल्ट से नहीं चलेगा। तो आप लोग 24 वोल्ट बना लीजिए कैसे बनाते हैं, और इसमें आप लोगों को समझ नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लेकिन इतना तय है कि ये 12 वोल्ट में नहीं चलेगा। मैं बता दी हूँ कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके ऊपर, कि अभी बीच में और आया था कमेंट कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा 12 वोल्ट में, ये 12 वोल्ट में नहीं चल पाएगा। और इसमें कुछ आपको कन्फ्यूजन लगे तो चलेगा तो मैं कुछ दिन बाद बता दूंगा, मैं खुद ट्राई मार रहा हूँ, अभी हो जाएगा सक्सेस तो जरूर आपको बताऊंगा। इतनी कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने, दिल से शुक्रिया दोस्तों। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आपका दिन शुभ रहे।